औकात में रहे पाकिस्तान, अभी ऑपरेशन ऑन है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, हमारा टारगेट को हिट करना है, हम लाशें नहीं गिनते। जानेंगे इस खबर के बारे में सब कुछ डिटेल में। उससे पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो पर भारतीय वायुसेना के लिए ज़रूर लाइक कर दें और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी खबर की ओर। कल भारतीय वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा ऑपरेशन ऑन है, पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है। वहीं उन्होंने 26 फरवरी को वायुसेना द्वारा POK के जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस हमले में MiG-21 के अपडेटेड वर्जन का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी हमारा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभिनंदन देश का जांबाज और बहादुर सैनिक है। वहीं दूसरी ओर भारत की राजनीतिक पार्टियों द्वारा, भारत सरकार और भारत की सेना द्वारा पाकिस्तान में की गई इस एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने के बारे में उनसे पूछा गया कि भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इस एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रही हैं। वह जानना चाहती हैं कि इस एयर स्ट्राइक में दुश्मन को कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकी मारे गए। प्रेस रिपोर्टर के इस सवाल पर वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा काम टारगेट को हिट करना है, हम यह नहीं देखते कि दुश्मन को कितना नुकसान हुआ, कितने आतंकी मारे गए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ होता, इस एयर स्ट्राइक में एक भी आतंकी नहीं मारा गया होता, तो पाकिस्तान हमारी वायु सीमा में घुसकर हम पर हमला करने की कोशिश क्यों करता। वहीं दूसरी ओर आपकी जानकारी को बता दें, फोन सर्विलांस की रिपोर्ट से पता चला है हमले वाली जगह यानी POK के जैसे मोहम्मद के ठिकानों बालाकोट, चकोटी, मुजफ्फराबाद में उस रात करीब 280 से ज़्यादा मोबाइल एक्टिवेट थे। इससे स्पष्ट होता है कि यह सभी मोबाइल या फ़ोन उन 280 आतंकवादियों के रहे होंगे। भारतीय सरकार और भारतीय सेना की इस एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाली देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए यह सबसे बड़ा सबूत है। इससे साफ जाहिर होता है कि वहां 280 से भी ज़्यादा आतंकी मौजूद रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक और इस एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करने वाली देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ़िलहाल इस खबर में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।